रोल्स रॉयल ने नुगा है हाथ था मिस्त्री तैयार करा रहा कारीगर तो ये भाई वे कारीगर है रोल्स रॉयल सी तैयार होने लायक। अरे शक्ल तो दिखा दे कारीगर साहब तो क्या हालत कर दी इसकी, बच्चों के खेलने का काम आएगी। पर ये छोटा सा हाउस है ना या बड़ा हाउस है? छोटा छोटा हाउस है भाई। हेलो, तो कैसे हो आप सभी, स्वागत है आपका भाई एक और नए व्लॉग के अंदर। तो अपने रिम आ चुके हैं, रिम का साइज भी थोड़ा करवा दिया, वो आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। आज उनको थोड़ा डाल के देखेंगे, मतलब ट्रैक्टर में वैसे ही डाल के देखेंगे, टायर नहीं डालेंगे अभी उनके ऊपर, क्योंकि वो भी ठीक से रेडी नहीं है। उनके अंदर पेंट भी करेंगे, वेल्डिंग भी घिसानी है उनकी, वेल्डिंग नहीं घिसाएंगे तो भाई वो जाहिर सी बात है ट्यूब को पाट देंगे अंदर से, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो मतलब फ़ायदा क्या हुआ इस चीज़ का, इसलिए भाई चलो पहले तो आपको एडजस्ट करके दिखाते हैं कैसे लग रहे कैसे नहीं लग रहे, एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो भाई रिम रेडी हो चुके हैं, एक पे ग्राइंडर का काम चल रहा है, एक पे पेंटिंग चल रही है पेंट कर रहे हैं भाई अंदर से, पेंट कर रहे हैं दोनों को, प्राइमर मार दिया पहले फिर पेंट कर रहे हैं। देखो ये प्राइमर है ये पेंट है, देखो सूख गया जल्दी सूख गया, यहाँ ग्राइंडर का काम चल रहा है भाई। वेल्डिंग की तो सफाई है ना वो करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये अपने टायर आपसे दिखाए दिए थे भाई, देखो पूरा आ जाए इसके भीतर भाई, पूरा बहुत बड़ा भाई। अरे मैं देखो और थोड़ा फैल लगा, मेरे हिसाब से भाई आज सारा काम हो जाएगा कंप्लीट, ना भी हुआ तो कोशिश करेंगे एक या दो दिन में निपटाने की, क्योंकि कमेंट आ रहे हैं कि टायर पर ना के दिखाओ, टायर पर ना के दिखाओ, बड़े मॉन्स्टर देखो पीछे से, मतलब ट्रैक्टर की चौड़ाई जो थी ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई, तो सोची भी नहीं थी ना वो, ऊपर से चेकआउट करो एक बार, मतलब जो आगे वाले टायर से ये वाला टायर कितना भार है देखो, और डलने के बाद इसका पेट भी फूलता थोड़ा, आपको पता थोड़ा पेट फूलने के बाद ही थोड़ी ऐसी डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा पीछे से, तो वैसे तो अच्छा सारा ही है। करने दो भाई ना काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। यो भाई अपना स्टोर रूम है, यहाँ पर हर साइज का पेच में लगा, बड़ा छोटा सब ए टू जेड चाबी, वो अपनी टोचन रखा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो हो भाई टोचन, ओपन टाइगर का टोचन, इतना तो स्क्रैप बना दिया भाई। देखो वेल्डिंग मशीन भी तोड़ दी थी या कल, अरे ड्रिल मशीन भी टूट गई मारते भाई कल, वेल्डिंग मशीन तो बगाया है कल ही टूट गई थी और ये भी टूट गई, देखो क्या हालत कर दी इसकी, बच्चों के खेलने काम आएगी पर ये बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो हाँ जी रेडी हो गए बिल्कुल, हाँ भाई लाग रहे हैं खींच के, कितने दिन में डाल दोगे भी ने? भाई कोशिश कराए कल तैरान फिट कर देंगे, चश्मा तो एक नंबर का लग गया भाई, ग्राइंडर की दासर दूसरा ना ना ठीक है ठीक है। नीशू पेंटर लाग रहे हैं ये देखो भाई, गर्म है वैसे, नीशू पेंटर हाउ आर यू? आई एम फाइन, यू आर फाइन। पेंट तो भाई किसी ने पेंट के लिए भाई हायर करना हो भाई रेडी है जिस तरह तुमने सुना होगा ना मस्टडीज ने और रोल्स रॉयल ने नुगा है हाथ था मिस्त्री तैयार करा रहा कारीगर, तो ये भाई वे कारीगर है रोल्स रॉयल सी तैयार होने लायक। अरे शक्ल तो दिखा दे कारीगर साहब जो पंखा लगा रखा है भाई, साथ साथ सूखता भी रहे और साथ साथ पेंट भी होता रहे, क्योंकि इसमें फिट करने हैं ना टायर, जल्दी से जल्दी फिट करने भाई इनमें, इसीलिए आगे से लुक चेकआउट करवा एक बार, एक सेकेंड देखो भाई इतना भार है, ठीक है वैसे इतना भी भार इस वाले से तो बहुत ही चौड़ा रिम हो, क्योंकि बीच में से वो 9 इंची चौड़ा करना पड़ा था भाई, ट्रैक्टर को भाई सपोर्ट भी लगानी पड़ी, जो जब उठाया ना चैन गुप्पी थे तो आगे तो थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा था, इसलिए करना पड़ा है। स्पेसर बनाया था ना वो स्पेसर, ये था बीच में इतनी मोटी प्लेट, देखो मतलब बहुत ही चौड़ी प्लेट है ये, बहुत ही मोटा है इसकी, बहुत ज़्यादा प्यार ही नट कसेगा इसमें, क्योंकि इसमें है ना ये डरा था इसका, ये इसका होता है ना इसका, ये हाँ डरा था इसलिए प्यार ही, दो ही साइड है दो ही साइड है,
समझ गए होगे भाई ये प्लेट किस लिए दी थी, क्योंकि जो गैप था ना, मतलब गैप बहुत ही कम था, इससे इतना तो फर्क पड़ा ही है। उस दिन ये पाइप भी बैंड हो गया था, ये वाला पाइप बैंड हो गया था उस दिन, इसलिए स्पेशल देना पड़ा भाई। 1698 के टायर आई सब 241 में आगे और आपको सारी दिखाते रहेंगे भाई टाइम टू टाइम, इनमें टायर डाल के जरूर दिखाएंगे, वो वीडियो जरूर देखना। टायर डालने के बाद एक बार लुक चेक आउट कराऊंगा, मतलब बहुत ही बेहतरीन लगेंगे टायर। वाओ टायर नाम रख दिया मैंने दिन का, वाओ टायर कहते हैं हम इनको। ये देखो भाई अपने डैडी लग रहे काम करण दे, नकाम करण दो, फिर दिखाते हैं भाई। भाई ये धरी अपनी छतरी ढक्कर धर रखी है, क्योंकि रात ना ओस इतनी पड़े है खराब हो जाएंगे। और बड़ा बना भाई घिसाई का काम चल रहा है, घिसाई भी ज़रूरी है भाई, घिसाई नहीं करेंगे ना तो ये अंदर तय ट्यूब ना पाट सके। बिल्कुल प्लेन करवा दिया इसको भाई, का ड्रेस ले नहीं दिख रहा, और पास से दिखाई दिया था वापसी काम कर रहे इसलिए थोड़ा दूर बैठे हैं। पेंट भी हो रहा है देखो, हाथ कर करके पेंट कैसा हो गया नीचे का दिखाई रहा है। देखो भाई छोरे ने कितना काम करा, स्माइल नहीं रुक रही इसकी आज सुबह थे ठीक है भाई, हंसते रहना चाहिए, सब खुश रहो, हैप्पी रहो, हंसते रहो, और दिखाते रहेंगे आपको और नए नए व्लॉग में नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में बताते रहना क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है। हो तो गई मशीन बंद, अब आ रही हो गया आवाज़ क्लियर। वो भाई अपना ऊपर मिनी फार्म हाउस का छोटा सा हाउस है ना, छोटा सा हाउस है ना या बड़ा हाउस है? छोटा छोटा हाउस है भाई। रुखम भाई दिख रहा होगा आपने, बस पर रस्सा टांगा था, यो गलती ये कर दी, यो 36 फुट का रस्सा टांग दिया हमने इस पर, ये भी झोल मारा है इसलिए एक तार तो ये खिंचा ही हुआ है। ये रहा, एक ही साइड ऐसे ही होगा और एक पीछे, काम बहुत जोर शोर से चला हुआ है, होना भी यही चाहिए भाई। किसी चीज़ को करो तो मन लगा के करो, सेफ्टी के साथ करो, टीम के साथ करो। हमारी टीम ये बैठी टीम, ओए टीम यू आर टीम, सुबह तक खुश है भाई, और सुबह तक देखो स्माइल देखो। चलो नीचे से तो बात होती रहेंगे भाई, रात ने इन रिमा काम इतनी लेट हो गया आया फार्म हाउस के हाउस पर सोना पड़ा भाई, रात ने बहुत लेट हो गए थे। छोटा ही देखो आप एक बार इसकी, बहुत ज़्यादा है। ईंट भी देखो कितनी ईंट लगानी पड़ रही है, 1 2 3 4 5 है, और ऊपर रबड़ का टुकड़ा कहीं खतरा इतना लग जाए ओपन टाइगर को। ये वाला रेडी हो चुका है भाई, फिर इसके प्राइमर मारेंगे इसका काम होने के बाद, और फिर प्राइमर के बाद इसके भी काला पेंट मार देंगे, बिल्कुल ओके हो जाएगी इसकी कंडीशन। और खुद के इसमें वो पंखा दिख रहा है वो यहाँ पे लगा देंगे उठा के, और इनको सूखते ही व्हीकल ये वाले टायर डाल देंगे 20-8-38 के। भाई जैसे ही कमेंट आ रहे थे कि बड़ा टायर डालो बड़ा टायर डालो, भाई इससे बड़ा टायर भी नहीं देखा होगा आपके तो वैसे बहुत, पर 241 के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा क्या बहुत ही बड़ा है, कैमरे में भी नहीं आता। ये अपनी छतरियाँ भाई, वैसे पेंट तो इनके भी करना था, एक तो खुल गया दूसरा और खोल लेते हैं भाई। ये भाई एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स के लिए मड गार्ड में अंदर लगाए थे, ये छतरी थोड़ी वाइब्रेट करती है ना, आई सर 241 वाइब्रेट इतना करता है भाई। इनको यहाँ रख के पेंट मार दें, धूप में सूख भी जाएंगे ये। ये देखो भाई पहले तो इनकी थिकनेस देखो, बहुत ही ज़्यादा थिकनेस है, हैवी बोल्ट हैं रबड़ वाले, इन पे करते हैं भाई पहले पेंट, क्योंकि छतरी भी रेडी करनी है साथ साथ, टायर होते ही छतरी भी लगेगी तो भाई मैं पेंट कर लें पहला, फिर दिखाऊंगा आगे। पेंट खोल दिए भाई इसके, क्योंकि वो है ना इसकी सफाई करनी ज़रूरी है, ग्राइंडर है ना तो सफाई भी करते हैं, क्योंकि
ये देखो कितना जर खा गया, बहुत ही ज़्यादा जंग लग गया इसको, अंदर रहती है प्लेट पानी लग लग के, पैर की सीट लग लग के, ये वाली बिल्कुल गलने वाली है, ये इसके बोल्ट रख दिए। उल्टा ने भी संभाल के धर लिया भाई, ना खो जाएंगे ये। इनको यहीं रख देते तो याद रह जाएगा फिर, ये ना पे कहीं खो गया ना, ये बोल्ट मिले भी नहीं कितने। मोड़गार्ड की तरफ था, मोड़गार्ड की तरफ तो जो था उसमें पानी पूनी जागने, देखो कैसे जंग खा रखी है। तो कभी भी मोड़गार्ड में कोई चीज फिट करो तो उसके अच्छी तरह से दोनों तरफ से पेंट कर लेना भाई, दोनों साइड तक जंग खा रही है भाई। तो भाई सफाई हो चुकी है इनकी, बिल्कुल साफ हो गए, मतलब बहुत ही क्लीन हो गया है, तो दोनों चिकना भी हो गया भाई। कभी भी मडगार्ड वगैरह खोलो ना, जो आपने एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस कर रखी है ट्रैक्टर के अंदर, वो कभी भी उनको खोलो ना तो उनको ऐसे ज़रूर साफ़ किया करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही ट्रैक्टर को जरा देती है अंदर से, इसलिए भाई सभी किया करो। अच्छी बात है तो भाई करनी भी चाहिए, गर्म हो रखी है वैसे, इनका पेंट मारा है भाई साइड में, काम करती है ना ये पैरों में लग जाएंगे, तो पेंट भी हो गया एक को, ऊपर की वो आउटर लाइनिंग थी ना वो हटानी पड़ रही है, क्योंकि इस पर ना यहाँ पे वेल्डिंग करवाएंगे, यहाँ पे थोड़ी और हैवी हो जाएगा रिम इससे, इसलिए थोड़ा पक्का काम हो जाएगा। पक्का काम हो जाएगा, कितना पक्का काम हो जाएगा? इतना पक्का हो जाएगा ना, कितने कितने को डाले। अच्छा हाँ, या कुछ ना बिगड़ेगा फिर, या तो ठीक है इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा फिर। पहला तो इसकी ग्राइंडर से कटिंग करी भाई, अब यहाँ आते निकल जाएगी। तो भी रेडी हो चुका है, अब वो खरा दिया है पास जाके, देखो यहाँ से दिख भी रहा होगा थोड़ा सा, दिख रहा है ये रहा, ये थोड़ी वेल्डिंग हट गई इसकी, दोबारा करवानी पड़ेगी उस साइड से, तो रखिए इस साइड से एक बार दोबारा होगी, फिर ये बिल्कुल ओके हो जाएगा।